Welcome back to my YouTube channel. तो आज का वीडियो है गाइस, चलो कोई वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप क्या हाल चाल पूछ लो, कैसे हो आप लोग? मैं तो ठीक हूँ, आई होप कि आप लोग भी सब ठीक होंगे। तो आज हम करने वाले हैं गाइस कुकिंग, और कुकिंग में हम बनाने वाले दलिया, आपसी भी बोलते हैं उसको। तो अगर आपके फैमिली वाले कहीं अगर बाहर जाते हैं और आपको अगर बाहर का खाना अवॉइड करना है तो आप ये डिश आप ट्राई कर सकते हो अपने घर में। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी है। तो अभी इंट्रो में ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा क्योंकि मुझे भी बहुत भूख लगी है। तो फटाफट, मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, तो मैं भी फटाफट बनाता हूँ अभी, ठीक है? तो चलते हैं कुकिंग की ओर, चलो बाय। लापसी, आप इसे दलिया भी बोल सकते हो। तो अभी हम ऑल वेजीज, जितनी भी वेजीज है मैं इसे वॉश कर लेता हूँ। इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं, तो वॉश करके मैं आपको कटिंग करने के बाद दिखाता हूँ। वेजिटेबल कटिंग कर लिया है, तो ये है बीन्स, अदरक, लहसुन, गाजर, बीटरूट, टोमेटो, ऑनियन, और ये ऑनियन के जो पत्ते रहते वो है। और ये आप बीच में देख सकते हैं कटोरी में, ये है लापसी, इसे दलिया भी बोलते हैं गाइस। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, वॉश करने के 5 to 10 मिनट आपको इसको रखना। तो अभी हम करते हैं हमारी कुकिंग स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको गैस ऑन कर लेना है और कुकर को थोड़ा सा गर्म करना है, 5 मिनट्स ओनली। तो गाइज अभी हम हमारी कुकिंग स्टार्ट करेंगे दलिया, आ जाओ। सबसे इसमें घी ऐड करना है। से मिक्स कर लेना है, और भी एकदम टेस्ट आने के लिए गाइस आपको इसमें एक हरी मिर्च ऐड कर देनी है। मैं तो एक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कम स्पाइसी चाहिए। अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो आपको 2-3 मिर्ची आप डाल दें। अभी इसमें आपको सारी चीज़ें ऐड करनी है। जितने भी वेजिटेबल मैंने कट किए थे वो अभी मैं ऐड कर रहा हूँ। आपको ये सब सारी चीजें इसमें ऐड होने के बाद आपको इसमें 3 ग्लास वाटर ऐड करना है। क्या 3 ग्लास वाटर ऐड हमने कर लिया है। फाइनल सॉल्ट ऐड करना है, नमक आपको ऐसा डालना है आपके हिसाब से, आपको नमक ऐड करना है क्योंकि नमक तो मैं बता नहीं सकता हूँ, सबके स्पून अलग अलग होते हैं। ऐड करना है हल्दी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब कुकर को अच्छे तरीके से बंद करके इसे हम 2 सीटी होने के बाद खोलना है आपको गाइस, ठीक है? आपको ध्यान रखना है 2 सीटी के बाद ही बोलना है। सो फाइनली गाइस दलिया रेडी हो चुका है हमारा, अभी हम कुकर को खोलते हैं। ओह वाओ, बहुत ही प्यारा बना है। आई थिंक सो, अभी मैंने टेस्ट तो नहीं किया है लेकिन होप के बहुत अच्छा ही बना होगा। और गाइस आपको अगर और भी इसमें चीजें ऐड करनी है तो आप पालक और भी ग्रीन सब्जी जो भी है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है? तो चलते हैं अभी हमारे डिश में सर्व करते हैं। Thank you.
भाई साहब इसमें मूंग की दाल भी ऐड कर सकते हो, अगर आपको ऐड करना है तो आप मसूर की दाल भी ऐड कर सकते हो दलिया में। तो गाइस मुझे बहुत पसंद है दलिया, क्योंकि ये सिंपल है बहुत ही बनाना, ठीक है। तो अभी हम ऐड करेंगे 1 चम्मच देसी घी। गाइस देसी घी के साथ खाने में मजा ही कुछ और है। तो फाइनली गाइस दलिया रेडी हो चुका है, और ऊपर से मैंने जो ऐड किया हरा धनिया और पुदीना, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तभी हम खाने की तैयारी करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और घंटी बजाना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी क्या रहती है, ठीक है। तब तक के लिए बाय।